मैं रितेश कुमार क्लास 9th के अमन टीचिंग सेंटर के क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोगों को अमन सर ने एक प्रयोग करने के लिए कहा था। वो प्रयोग रसायन विज्ञान के पदार्थ नामक चैप्टर से है और इस प्रयोग में हम यह जानेंगे कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो चलिए इस प्रयोग को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 5 गिलास लेंगे और आपके पास होगा लाल रंग, होली वाला रंग, तो वो ले लीजिएगा। अब देखिए ये रंग है और पहला गिलास है 100 ml का, यानी कि उसमें 100 ml पानी रखेंगे। और तो फिर दूसरा गिलास में 90 ml और तीसरे गिलास में भी 90 ml और तो फिर चौथे गिलास में भी 90 ml और पांचवें गिलास में भी 90 ml। पहले रंग को 100, जो पहला गिलास था जिसमें 100 ml पानी था, उसमें थोड़ा सा रंग डालेंगे और उसके बाद पूरा प्रयोग को जारी रखेंगे। देखिए हम लोग थोड़ा सा रंग डालते हैं इसमें और इस पानी का कलर धीरे धीरे लाल होने लगेगा। देखिए ये पानी अब लाल हो गया है। देखिए अभी हम इस प्रयोग को और करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला गिलास का जो पानी है वो पूरा लाल हो गया है। तो अब देखिए हम इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। अब ये पहला गिलास का जो पानी है 100 ml, तो वो हम इस दूसरे गिलास में डाल देंगे। 10 ml पानी हमको इसमें डालना है। 10 ml पानी हम सब डालें तो देखिए इसमें भी थोड़ा लाल रंग आ गया। और तो फिर इससे दूसरे गिलास से तीसरे गिलास में हम सब पानी डालेंगे। दूसरा गिलास वाला देखिए, ये दूसरा दूसरा गिलास है। अब दूसरा गिलास का पानी इस तीसरे गिलास में डालना है, 10 ml ही। अब इसमें डालें। अब देखिए तीसरे गिलास का पानी ये तीसरे गिलास का पानी चौथे गिलास में डालना है, 10 ml ही, सब में 10 10 ml। तो फिर ये चौथे गिलास के बाद देखिए, चौथे गिलास का पानी 10 ml, पांचवें गिलास में यानी कि अंतिम गिलास में डालना है 10 ml ही। तो अब देखिए, अब इस प्रयोग को हम सब किए हैं तो देखिए, पहले गिलास का पानी थोड़ा सा बहुत थोड़ा गाढ़ा है और दूसरा उससे थोड़ा कम, तीसरा उससे थोड़ा कम दूसरे गिलास की अपेक्षा, और चौथा तीसरे गिलास की अपेक्षा थोड़ा कम, और पांचवा चौथे गिलास की अपेक्षा थोड़ा कम लाल है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। तो अब यह वीडियो समाप्त होता है। तो अब आप यह देख रहे हैं कि पांचों गिलास का पानी सभी की अपेक्षा अलग अलग है। सब में पानी किसी में तो बहुत गाढ़ा है तो किसी में कम गाढ़ा है। तो यह प्रयोग हमारा समाप्त होता है इसी के साथ। वीडियो पसंद आया तो आप अमन सर के YouTube चैनल मैथ्स बाय अमन सर 72 पर जाकर ये सब वीडियो और देख सकते हैं। इसी के साथ शुक्रिया।